अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि नहायत ही सिंपल सी है और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ ये आपके स्किन को एकदम से बूस्ट कर देगी, आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपके फेस को दोबारा से इन्हेंस कर देगी। क्योंकि सम टाइम हमारा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाता है। तो ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट है और ये रेमेडी उन लेडीज़ के लिए भी बेस्ट है जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है। जैसे एज के साथ साथ हमारी स्किन जो है उस पर फाइन लाइंस नुमाया हो जाती हैं, स्किन पर रिंकल्स पड़ने लग जाती हैं। तो ये रेमेडी जो है उन लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सुपर इफ़ेक्टिव है। तो जी, ये रेमेडी से आप बहुत ज़्यादा 100% इसके रिज़ल्ट उठाएंगी क्योंकि ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुपर इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो नाज़रीन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इस रेमेडी को कैसे बनाना है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। आपको पता है बेसन हमारी स्किन के लिए एक मैजिक के तौर पे काम करता है। हमारी स्किन पे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, हम अगर सिर्फ बेसन ही को ही इस्तेमाल कर लें अपने स्किन पे तो हमारी स्किन की ऑल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो बेसन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है हमारी स्किन के लिए, स्किन को लाइटन अप करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है। हमारी स्किन को ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है, स्किन को क्लियर करता है। आलमंड ऑयल हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को गोरा करता है, आपकी स्किन को फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ लेके जाता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एग की, हमने यहाँ पर योक लिया है, जर्दी ली है, हमने सफ़ेदी नहीं इस्तेमाल करनी। यहाँ पे हमने सिर्फ अंडे की जर्दी लेनी है क्योंकि अंडे की जर्दी में आपको पता है भरपूर जो है वो प्रोटीन मौजूद होती हैं। ये हमारी स्किन के को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, स्किन को, स्किन की एपिडर्मिस को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। आप यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडे की एक जर्दी ले ली है। वन एंड हाफ टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। वन टीस्पून मैंने यहाँ पे आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से मिक्स करें। उसके बाद जी आपने इसे अब कच्चे दूध से मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा फाइन सा स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसे इतना मिक्स करना है ताकि हमारे पास जो हमारा मास्क जो रेडी हो उसके अंदर बेसन का कोई भी लम्स जो है वो मौजूद ना हो। ये देखिए, ये हमारा ज़बरदस्त सा फेस पैक जो है वो रेडी हो गया है जो आपकी स्किन के लिए मैजिकल इफ़ेक्ट डालेगा, आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा, स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करेगा और आपकी स्किन जो है जस्ट लाइक ग्लास जैसी हो जाएगी, बिल्कुल टाइट स्किन हो जाएगी। इसे आप अपने फेस पे अब अप्लाई कर सकती हैं। जिस तरीके से मैं अपने हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से आपने अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है। इसे आप ज़रूरी नहीं है रात में लगाएं, इसका आपको जब टाइम मिले आप उस टाइम लगा सकती हैं, इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है। आप इसे हफ्ते में 2 टाइम लाजमी इस्तेमाल करें। 2 दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको अपनी स्किन पे वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा। जब भी आपने इसे बनाना हो आप इसे फ्रेश बनाएं, फ्रेश लगाएं और इसके रिज़ल्ट से आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो गई है। ये देखें, ये अब ड्राई हो गया है आफ्टर 20 मिनट्स के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। ये देखें, स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, स्किन जो है वो बहुत अच्छे से लिफ्ट होगी, स्किन पे किसी भी किस्म का दाग धब्बा नहीं रहेगा, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।